नमस्ते, आपका छोटा भाई राजू रविकार को ऐसा प्यार और आशीर्वाद देते रहिए, हैप्पी बर्थडे। और शाहरुख साहब के लिए लोग प्रेजेंट देते, दुआएं देते, ये बार मैं जीरो लेकर आया, जीरो प्रमोशन के साथ, इस पर लिखा है बाकायदा हैप्पी बर्थडे किंग खान। और ये हमारी कंपनी है एस केवल एंटरटेनमेंट, जिन्होंने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। अभी आप लोग के सामने हमारे जितने छोटे कद वाले बौने लोग हैं वो सब यहाँ पर आएंगे और साथ में हम लोग की द्वारा के काटेंगे। मैडम बहुत ज़्यादा आज मैं जो कुछ भी हूँ जैसा भी शाहरुख साहब की बदौलत हूँ, अगर आज शाहरुख साहब नहीं होते तो मैं मुंबई में नहीं होता। मैं दिखने के लिए तो नहीं, दिखने वाले तो ऊपर की मशीन ख़राब हो गई, मैं तो कॉपी कैट हूँ, ठीक है ना। लेकिन एक्टिंग के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है, जैसे कि अभी जीरो आ रही तो जीरो में शाहरुख साहब ने नया क्या किया है वो हमें देखने मिलेगा। देन उसके बाद में वो बौने बने, बौना तो मैं बन नहीं सकता, लेकिन इतना है कि बौने लोगों को लेकर हम लोग स्टेज शो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा 3 बजे टीज़र लॉन्च है, कोशिश करूँगा इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे तो हम लोग टीज़र की तरफ भी जाएंगे, वहाँ जाके सब मीडिया कर्मचारी से मिलेंगे। अब क्या होता है भाई, हर जगह अवेलेबल नहीं होते शाहरुख साहब, तो इसलिए मैं चले जाता हूँ। क्या उनके जो फ्रेंड्स लोग हैं नहीं मिल पाते हैं तो थोड़ी सी उनकी कमी पूरी कर दूंगा, जो कुछ इज्जत है वो मुझे देते बेचारे लोग। अब जैसे फर्ज करो अगर किरण होती तो कैसी होती, आई लव यू, आई लव यू किरण, आई लव यू। अरे 25 साल से ढूंढ रहा हूँ यार, और आज मिले भी तो तुम प्रेस रिपोर्टर बन के, अरे मैं क्या करता किरण, आई लव यू किरण, मुझे नहीं पता तुम इस कंडीशन में आ जाओगी यार। एक बार कह दो ना कि तुम भी मुझसे प्यार करती, आई लव यू, आई लव यू किरण। अभी आप बोलोगे कि क्यों ऐसा, क्योंकि शाहरुख सर ऐसी चीज़ें तो उसके दिमाग में घुस गए तो निकलना पॉसिबल सर नहीं। मैं बहुत बार कोशिश की थी बस तेरा
Come on.